Orient Limited issued 5000 equity share 10 each at a premium 2 per share. तो 10 और 2 कितना हो गया 12. Payable 3 per share on application, 5 per share on allotment, वहां पर premium है, 2 रुपया first call and 2 रुपया final call each दे ही दिया है. तो देखिए 3 और 5 8 और 2 10 2 12 8 एंट्री होने के लिए तैयार है. कितना शेयर बेचना चाहते हैं थोड़ा बोलिएगा. आप 5000 शेयर बेचना चाहते हैं. एप्लीकेशन कितना रिसीव्ड हुआ 8000. वेर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा टू द एप्लीकेंट ऑफ 7500 शेयर. इसका मतलब 500 शेयर होल्डर को आपने क्या किया, रिफंड कर दिया. द एप्लीकेशन मनी फॉर रिमेनिंग शेयर्स बीइंग रिफंडेड. तो 500 रिफंड हुआ ये तो आपको पता चल गया. तो हम लोग 2 एंट्री आराम से बना सकते हैं. आगे बोलता है आकाश टू हुम 120 शेयर वेयर अलॉटेड. अलॉटेड को सर्कल में लो. फेल टू पे अलॉटमेंट मनी. अरे अलॉटमेंट में अगर पैसा नहीं देगा तभी तो कॉम्प्लेक्स प्रोराटा होगा. एंड फर्स्ट कॉल मनी. यहां ध्यान दीजिएगा, यहां कंडीशन है अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, अभी फाइनल कॉल नहीं मांगा गया है. हिज शेयर्स वी आर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल मांगेंगे, इसके शेयर को फॉरफिटर कर लेंगे. यानी फाइनल कॉल में हम लोग पूरा शेयर के ऊपर 5000 शेयर के ऊपर नहीं मांगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसका शेयर जो फॉरफिटर हो गया तो रिमेनिंग के ऊपर हम लोग फाइनल कॉल मांगेंगे. आगे क्या बोल रहा है सो देखेंगे. बिकॉज हु अप्लाइड 300 शेयर फेल टू पे अप्लाइड. अप्लाइड को सर्कल में ले लो, ये नहीं कि 300 कर दीजिएगा. अप्लाइड किया था, अलॉटेड क्या हुआ वो तो हम लोग देखेंगे अभी. 300 शेयर फेल टू पे टू कॉल, यानी फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया. एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल. यानी यहां फॉरफिटर का 2 एंट्री हो जाएगा. ठीक है, आकाश के लिए अलग फर्स्ट कॉल के बाद ही, विकास के लिए फाइनल कॉल मांगेंगे तब. अभी यानी टोटल हमारा 2 लोगों का शेयर फॉरफिटर हुआ. आकाश का तो दिख रहा है 120 शेयर, बट विकास का इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोग को निकालना पड़ेगा. आगे बोल रहा है ऑफ दीज, इसमें से 240 शेयर्स वेयर री इशू. 240 री इशू की है, लेकिन यहां कंडीशन अप्लाई है एज फुली पेड 9 9 रुपया में. यानी जब हम लोग री इशू करेंगे तो थोड़ा सा घाटा लगा जो कि शेयर फॉरफिटेड से मेकअप करेंगे, लेकिन यहां पर जो 240 शेयर बेचा जा रहा है उसमें कंडीशन अप्लाई है विच इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स इशू टू आकाश. आकाश को जो टोटल शेयर दिया गया था 120, यानी 120 आकाश का और 120 विकास का, 240. आप लेकिन सर इससे क्या फायदा होगा, अरे आकाश का तो पूरा फॉरफिटेड अमाउंट लेंगे लेकिन विकास का प्रोपोर्शनेट लेना पड़ेगा रीशू के वक्त. यानी एक कैलकुलेशन और बढ़ गया. सो कैश बुक. अब देखिए यहीं पर एक बात बहुत बार बार बोल रहा है कैश बुक. जब भी कैश बुक बोलेगा बैंक से रिलेटेड एंट्री यहां आप नहीं करेंगे, बट अपने को आदत है शुरुआत से कि बैंक का एंट्री करने के बाद ही हम लोग बना सकते हैं. इसीलिए जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो ऑफलाइन में आप बैठे हुए हैं, ये सुन लीजिए बढ़िया से. आप एंट्री कहीं पर पहले रफ में कर दीजिएगा, इसके बाद बैंक के एंट्री को हटा दीजिएगा, बाकी एंट्री को रहने दीजिएगा. जैसे अभी हम आप लोगों को बताएंगे, कैसे बताएंगे जरा देखेंगे. पहले दो दो एंट्री जब लिखेंगे संग संग बताते चले जाएंगे. ऑलरेडी ठीक है, डन. चलिए स्टार्ट कीजिए. चलिए बताइए कितना एप्लीकेशन आया था. 8000 इंटू एप्लीकेशन में कितना है 3. बेचना कितना चाहते थे हम लोग 5000 बेचना चाहते थे. जितना बेचना चाहते थे वही कहां जाएगा बोलिए. रिफंड कितना किए हो और एडजस्ट कितना किए हो. आठ हजार में 5000 चला गया मेरा जो बेचना चाहते थे, 500 रिफंड कर दिए, तो 8000 में 5500 चला गया तो बचा कितना 2500. वही तो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हुआ. अलॉटमेंट सारा काम कितना के ऊपर करेंगे बोलिए. सारा काम कितना के ऊपर करेंगे 5000 के ऊपर. तो 5000 इंटू कितना है
दो भागों में बटेगा, प्रीमियम कितना है बोलिए, तो 3 रुपया यहां चला गया, 2 रुपया यहां चला गया, अब सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ रहना चाहिए। हम लोग सबको ही जानते हैं कि अलॉटमेंट जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट, बट पहले से क्रेडिट है 7500, तो 25000 में से 7500 माइनस कर दिए, 17500। किसने पैसा नहीं दिया बोलिए, आकाश ने, कितना शेयर के ऊपर, तो देखेंगे 120 × 5 600 नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर जो एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है ये देखिए 7500 का, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट आकाश का भी है प्रोपोर्शनेट अमाउंट, कितना है आइए निकालते हैं, देखिए हम लोगों ने निकाल लिया, ये तो बहुत जरूरी है, एक्सेस मनी पेड बाय आकाश एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी, जिस समय एप्लीकेशन का पैसा दिया था, ज्यादा का दिया था बट उसको कम अलॉट हुआ था, कितना 7500 रुपया, 5000 शेयर होल्डर का है, तो आकाश जो 120 शेयर अलॉट हुआ है उसका कितना इसमें है, तो कितना गया 180, यानी 120 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, बट कभी मत सोचिएगा कि 120 × 5 600 नहीं दिया, क्योंकि उसका एक्सेस पहले से 180 रुपया क्या था, तो कितना हो जाएगा माइनस करो 420, और 420 इसमें से माइनस करने से कितना आएगा 17080। अब आइए कुछ बातें आपको बता दें, जब भी आपको बोलेगा पास जर्नल एंट्रीज बहुत बढ़िया से सुनेंगे, आप लोग भी सुन लीजिए, बाद में मत बोलिएगा, ऑनलाइन में जो पढ़ रहे हो भी बाद में मत बोलिएगा, कारण क्या है कि आप बोलेंगे सर यहां पर तो बोला था पास जनरल एंट्रीज और शो करने के लिए कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बोला था, तो आप बैंक का एंट्री क्यों लिए, अगर खाली बोल देगा पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको बोल दिया जनरल एंट्री करो लेकिन साथ में यह बोल दिया कि कैश बुक या बैंक अकाउंट भी खोलो, तो कैश से रिलेटेड एंट्री नहीं होगा, यानी ये एंट्री नहीं होगा, ये जैसे कैश बुक खोलते थे ये एंट्री गायब हो जाएगा, तब एक बैंक अकाउंट बनेगा, हम लोग क्या बनाएंगे एक बैंक अकाउंट बनाएंगे, और बैंक अकाउंट में हम लोग लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे 24000, यानी ये एंट्री गायब हो जाएगा अगर आपको कैश या बैंक अकाउंट अलग से बोल दिया खोलने के लिए, तो वो डायरेक्ट वहां जाएगा बैंक में जाएगा, जन एंट्री में शो नहीं करेगा। अब यहां आइए, बैंक अकाउंट 1500 चला गया, तब जब आप यहां पर करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो 24000 नहीं करेंगे, 24000 में 1500 माइनस कर दीजिए, यानी 500 शेयर को माइनस कर दीजिए, 7500 × 3 करेंगे, यहां पर आप करेंगे 22500, 22500, और इक्विटी शेयर कैपिटल में ये दिखाएंगे और ये दिखाएंगे, मतलब ये दोनों 22500, तो ये एंट्री यहां से गायब हो जाएगा, और इधर लिखेंगे भाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना तो 1500 बैंक का अमाउंट। अरे सोचो ना कि लेजर खोल रहे हैं, जर्नल से लेजर नहीं जानते हैं क्या, वही लेजर खोल रहे हैं। अब देखो ये एंट्री पूरा ही होगा, ये एंट्री पूरा होगा, देखिए यहां पर थोड़ा सा एंट्री कट गया, ये एंट्री पूरा होगा, बट देखेंगे जी ये कैश का एंट्री नहीं होगा, कॉल सिनेरियर का सिर्फ होगा, कॉल सिनेरियर अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 420
यानी ये बैंक का जो एंट्री है यहां पर चला जाएगा, लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 17080। अब आया समझ में? तो बताओ आप डायरेक्ट कर सकते हो? इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि हम लोग 11 12 से आदत हो गया है कंपनी अकाउंट बनाते बनाते, जहां पर 98% सम्स में पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बोला है। अब ना आप ऑनर्स में आ गए हैं, ग्रेजुएशन में, जहां पर कभी कभी आपको बोल रहा है, आप 10 साल का उठा के देखिए, 3 बार बोला है, नहीं तो क्या बोला है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो हम लोग तो इसीलिए फंस जा रहे हैं ना, समझ में आ रहा है बात? तो देखिए हम लोग क्या किए, अब कैसे होगा, समझ में आ गया? उम्मीद नहीं है कि और हम समझाएं, आगे और समझाना पड़ेगा क्या? अरे जहां जहां बैंक अकाउंट है सोचना कि बैंक का लेजर खोल रहे हैं, कहानी खत्म। चलो ठीक है, तो यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत? लेकिन याद रखेंगे प्रोपोर्शनेट, जब इधर से कोई चीज को उठाएंगे तो ये अमाउंट को प्रोपोर्शनेट घटाएंगे, जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट, ये ध्यान रखिएगा। काफी लोग जो है सो रिफंड का अलग से एंट्री भी करता है, क्या करता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू बैंक, पहले 500 × 3 1500 1500, बाकी को अलग करता है, उस समय बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सीधा चला जाएगा। अब आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कारण क्या, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी था। अब हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉल, फिर क्या बोलेंगे, फाइनल कॉल। लेकिन फिर जब फर्स्ट कॉल के बाद एक फॉरफीचर है, फाइनल कॉल के बाद एक फॉरफीचर है, इसलिए कहानी थोड़ा लंबा बनेगा, जल्दी कीजिए। चलिए फर्स्ट कॉल जल्दी जल्दी करवाइए, तो 5000 के ऊपर काम होगा सारा, 5000 × 2 जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट। लेकिन फर्स्ट कॉल में दो लोग नहीं दिया है, एक है आकाश, कितना शेयर 120, ठीक है, और एक है कौन, विकास, बट उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, चलो जी अब सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। फर्स्ट कॉल में कॉल सिनेरियो ऑन फर्स्ट कॉल, हम यहां पर वर्किंग ही दिखा दिए क्योंकि एक से ज्यादा लोगों का हो रहा है। आकाश 120 × 2, जो हम यहां 120 लिख रहे थे अभी नहीं लिखेंगे, वहां लिख दिए, बढ़िया से समझेंगे। तो 120 × 2 240 तो आकाश का हो ही गया। अब जरा समझो विकास, विकास ने वहां पर क्या लिखा हुआ है, 300 शेयर के लिए अप्लाइड किया था, लिखा हुआ है, देखो विकास ने अप्लाइड किया था 300 शेयर के लिए। अब पहले हम लोग प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट है, ये प्रोराटा है, 7500 एप्लीकेशन आया था टोटल कंपनी के पास, 5000 शेयर अलॉट किया, तो विकास 300 शेयर के लिए जो एप्लीकेशन डाला था उसको कितना अलॉट होगा, कितना होगा 200, यानी 200 शेयर विकास को मिला। और फर्स्ट कॉल में 200 शेयर के ऊपर 2 रुपया नहीं दिया, 400, तो टोटल कितना हो गया यहां पर 640। अब 10000 में 640 माइनस करो, बताओ कितना होगा, 93। अब ये नहीं पूछिएगा
ऑफलाइन एंड ऑनलाइन वाला कि सर तो बाकी इसका 100 जो शेयर का एक्सेस पैसा था सो कहां गया, वो तो ऑलरेडी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। यहां पर तुम लोग फर्स्ट कॉल का बात कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल में बंदे ने 2 रुपया करके नहीं दिया 200 शेयर के ऊपर ना कि 300 शेयर के ऊपर, इसलिए यहां पर हम लोग को निकालना पड़ा। सम्स में हमेशा अलॉटेड, एप्लीकेंट, एलॉटी, ये वर्ड सब वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेंट ऑफ 500 शेयर तो अलॉट कितना हुआ ये ध्यान रखिएगा, मतलब हर समय हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा अलॉटेड। आप देख रहे हैं यहां पर विकास का अलॉटेड निकालनी है, तब हमको पता चल गया कि 200 × 2। अब बोलता है फर्स्ट कॉल मांगने के बाद आकाश के शेयर को फॉरफिचर किया गया। अब यहां मजेदार बात है, क्या मजेदार बात है समझिए, वो ये बात है जी कि अगर हम बोलेंगे कि आकाश का कितना फॉरफिचर हुआ अगर हम पहले से जान जाए तो मजा नहीं आ जाए। बोलिए देखिए यहां पर अमाउंट फॉरफिचर बाय कंपनी टू आकाश, आकाश का कितना रुपया फॉरफिचर करेगा, कितना शेयर आकाश का था थोड़ा बोलिएगा तब सीखिएगा। 120 में उसने क्या दिया, एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन कितना था 360 तो दिया ही दिया, प्लस एक्सेस दिया था, अलॉटमेंट तो दिया ही नहीं, अलॉटमेंट तो दिया ही नहीं, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तब उसके शेयर को फॉरफिचर कर रहे हैं। तो 120 × 3 तो दिया ही दिया, प्लस वो एक्सेस दिया था, कितना एक्सेस दिया था समझ में आया। तो देखो अब हम लोग यहां शेयर फॉरफिचर कर रहे हैं, कितना करेंगे बोलिए, 120 × 10 लिखेंगे कि 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे क्योंकि अरे फाइनल कॉल तो अभी मांगा ही नहीं गया है और इसने प्रीमियम भी नहीं दिया था, कॉल सिनेरियर कितना हुआ जरा देखिए, कॉल सिनेरियर बढ़िया से देखो, अलॉटमेंट में कॉल सिनेरियर सिर्फ आकाश का हुआ है, कितना है जरा देख के बताइए, आपके पास ऑलरेडी जर्नल एंट्री पास की है, अपने बुक पर नहीं अपने कॉपी पे देखिए कितना है 420, और यहां देखिए 640 नहीं, क्योंकि आप सिर्फ आकाश का शेयर को फॉरफिचर कर रहे हैं, कितना लेंगे, कितना हो गया, दोनों में से ये माइनस कीजिए देखिए कितना आ रहा है, आइए वापस आपको समझाते हैं, जो ऑनर्स लिए हैं मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए यहां ध्यान दीजिए, फर्स्ट कॉल मांगे टोटल से मांगे 5000 से 2 रुपया करके, फर्स्ट कॉल में दो लोग पैसा नहीं दिया, एक बंदा था आकाश जिसने 120 शेयर अलॉट किया गया था 2 रुपया करके नहीं दिया, सारा एडजस्टमेंट पहले ही हो चुका है, विकास के कितना शेयर अलॉट हुआ था नहीं बोला हम लोग को, एप्लीकेंट बोला, अप्लाइड बोला, तो हम लोग निकाल लिए 200 शेयर के ऊपर, तो टोटल यहां पर हम लोग यहां तक पहुंच गए थे, कोई दिक्कत नहीं आया था। बट बोलता है आफ्टर फर्स्ट कॉल आकाश का शेयर को फॉरफिचर करो, तो हम लोग शेयर फॉरफिचर का एंट्री किए, आकाश ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया इसलिए यहां सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखे, लेकिन अभी जब हम विकास का फॉरफिचर करेंगे तो वहां प्रीमियम नहीं लिखेंगे, तो देखेंगे 120 शेयर इंटू 8 क्यों लिखे, क्योंकि अभी फाइनल कॉल नहीं मांगा गया और बीच में ही शेयर को फॉरफिचर किया गया। तो याद कीजिए जब आपको फॉरफिचर का एंट्री बताए थे फेस वैल्यू एंड कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप 8 हुआ है तो 8 रुपया लिए, 120 शेयर के ऊपर प्रीमियम नहीं दिया है, और ये देखिए 540 हम लोग पहले से जान गए थे लेकिन ये कैसे आया, तो अलॉटमेंट का 420 पूरा लिए और फर्स्ट कॉल का 640 मत ले लीजिएगा, इसमें दोनों का है इसलिए अलग अलग वहां हमने दिखा दिया, तो 240 लिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल मांगेंगे, क्या फाइनल कॉल 5000 के ऊपर मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे 5000 के ऊपर, अरे 120 शेयर तो आपने फॉरफिचर ऑलरेडी किया है, तो रिमेनिंग के ऊपर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मांगेंगे, बट फाइनल कॉल में फिर विकास 200 शेयर के ऊपर फाइनल कॉल नहीं देगा, उसके शेयर को फिर फॉरफिचर करेंगे। चलो जी सारे लोग का यहां पर ध्यान होना चाहिए,
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अब हम लोग 5000 के ऊपर नहीं मांगेंगे, 120 शेयर हम लोग फॉरफिचर कर चुके हैं, तो 4880 के ऊपर 2 रुपया। कैलकुलेटर जल्दी जल्दी चलाएंगे और थोड़ा बताएंगे। 97, ठीक है जी, अब देखिए 9760 लेंगे। विकास 200 शेयर, आकाश तो पीछे ही गायब हो चुका है, 2 रुपया करके नहीं दिया, तो 9360 इसमें से ये माइनस कर दिए। या आप बोल सकते हैं 4880 में 200 लोग नहीं दिया, तो 4680 लोग दिया 2 रुपया करके। अब फाइनल कॉल के बाद बोल रहा है कि विकास के शेयर को फॉरफिचर करो, तो हम लोग कितना शेयर फॉरफिचर करेंगे? 200 करेंगे कि नहीं? तो 200 × 10, क्योंकि फाइनल कॉल करने के बाद कॉल सिनेरियो कितना हुआ दिख रहा है, एक तो यहां पर 400 और यहां पर 400, कितना फॉरफिचर हो गया? 1200। आप ये 1200 चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं बोलिए, ये 200 शेयर के ऊपर क्या क्या दिया है? दो ही चीज दिया है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितना, एप्लीकेशन बोलिए 3 रुपया, और अलॉटमेंट कितना है? 5 रुपया जरूर था, बट उसमें 2 रुपया तो चला गया प्रीमियम, तो 3 रुपया, तो 6 रुपया। विकास ने 3 रुपया एप्लीकेशन दिया और 5 रुपया अलॉटमेंट में, 2 रुपया प्रीमियम चला गया, तो 3 रुपया, 3 × 3 = 6, 6 × तो इसका 1200 रुपया फॉरफिचर होना चाहिए। हो गया, चेक कर लो, सारे चीज चेक करो, तभी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ये सब सारी चीजें तो सीखना है। अब दोनों फॉरफिचर हो गया, एक पहले एक बाद में। अब क्या बोल रहा है बोलिए, रीइश्यू करने के लिए बोल रहा है, कंडीशन अप्लाई है। रीइश्यू के वक्त कोई टेंशन मत लीजिए, जब हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए जल्दी से रीइश्यू का एंट्री बताइए। चलो जी, कौन बताएंगे आप लोग में से, बोलो कितना शेयर बेच रहे हैं? 240, 120 आकाश का, और ये जो 200 फॉरफिचर हुआ था विकास का, उसमें से 120, तो 240 शेयर बेच रहे हैं, इंटू कितना करके 9, इंटू करो कितना आ रहा है? 2160, बट फाइनल कॉल के बाद बेच रहे हैं इसलिए 240 × 10 होगा, तो लॉस कितना हो रहा है? 2 फॉरफिचर अमाउंट हुआ था, देखिए 2 फॉरफिचर हुआ था, आकाश का कितना फॉरफिचर हुआ था बोलिए? अरे सब कुछ आपके कॉपी में, फटाफट पलटिए और देखिए और बताइए कितना बड़ा बात है। 540, तो ये नहीं करिएगा कि 540 वहां पर एक जगह दिख रहा है, एक जगह 1200 दिख रहा है, यही तो 1740 में 240 माइनस मत करके आप 1500 रुपया आंसर कर दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं समझो, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मतलब कैपिटल रिजर्व, तो हम लोगों ने आकाश का फॉरफिचर किया था 540 रुपया, विकास का अभी तुरंत फॉरफिचर किए थे, तो टोटल फॉरफिचर अमाउंट हुआ 1740, बट रीइश्यू करने गए तो 240 लॉस हो गया, तो 1500 रुपया हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे? नो, आंसर होगा नो। कारण क्या है? टोटल शेयर हम लोगों ने रीइश्यू नहीं किया है, आकाश का तो टोटल किया, बट विकास का हम लोग 200 में से 120 हम लोग क्या किए, और एक शेयर के ऊपर 6 रुपया करके फॉरफिचर हुआ था, तो हम लोग 200 शेयर के ऊपर 120 यानी 1200 रुपया लेंगे, ना कि हम लोग यहां जो देख रहे हैं टोटल 1200 रुपया ले लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। 200 शेयर के ऊपर 6 रुपया करके नहीं लेंगे, 200 × 6 = 1200, यहां 200 नहीं हुआ, 120 × 6 करेंगे। तो एक कैलकुलेशन पहले दिखा, क्लियर करके एक कैलकुलेशन दिखा।
देखो जी ऑन आकाश शेयर पूरा का पूरा इशू हो जा रहा है, तो इसका पूरा फॉरफीचर ले लेंगे हम लोग कितना 540। अब विकास का कितना शेयर 120। देखो 1200 रुपया फॉरफीचर हुआ था 200 शेयर के ऊपर, तो 120 शेयर के ऊपर कितना रुपया हो रहा है, तो 720। तो यहां पर हम लेंगे 720। इसको भी हम फिर समझाएंगे। देखो अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, बहुत ही कंडीशन वाला। बोलता है 240 शेयर हम लोग इश्यू कर रहे हैं 9 रुपया करके, तो 240 × 9 कर दिए, बट फाइनल कॉल के बात कर रहे हैं, इसलिए सारे शेयर का जो फेस वैल्यू हो जाएगा, कॉल्ड अप वैल्यू हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो डिफरेंस अमाउंट 240 मेरा घाटा लग गया। लेकिन उससे बड़ा बात यह है कि कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट जाएगा, कंडीशन अप्लाई हो गया। तो देखिए हम लोग एक कैलकुलेशन किए, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं लगेगा। आकाश का ये जो 240 शेयर इशू किया गया उसमें से आकाश का 120 पूरा किया गया, तो 120 के ऊपर 540 रुपया फॉरफीचर है, पूरा ले लिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रिमेनिंग 120 विकास का ले रहे हैं, बट विकास का जो फॉरफीचर हुआ था वो कितना शेयर हुआ था 200 शेयर, 200 शेयर के ऊपर कितना फॉरफीचर किए थे 1200 रुपया, तो उसमें से पूरा का पूरा नहीं बेच रहे, 120 शेयर के ऊपर कितना फॉरफीचर अमाउंट हुआ होगा, यानी जो टोटल फॉरफीचर अभी दिख रहा था हम लोगों को 540 और 1200 वो जरूर सही था, लेकिन पूरा शेयर नहीं बेच रहे हैं। कंडीशन के साथ हम लोगों ने देखा आकाश का पूरा 540 आएगा और विकास का कितना आएगा सिर्फ, यानी टोटल जो हमारा फॉरफीचर होगा वो 1200, बट रीइश्यू करने के लिए गए तो हमारा घाटा कितना लग गया, तो ये हमारा आंसर होगा। यानी आपके यूनिवर्सिटी में सबसे ये लास्ट वाले चीजों को देखा जाएगा आंसर सही है कि नहीं है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रोराटा विदाउट टेबल पूरा समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में विथ टेबल देखेंगे।